चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के विकास के लिए स्वयं एवं राज्य सरकार को संकल्पित बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले को 3 मंत्रियों की सौगात दी है, साथ ही विकास में किसी तरह के बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। वे शनिवार को शहर का भ्रमण कर विभिन्न कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी भी दी। गर्ग ने शहर में कई जगह गंदगी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। शहर के साथ साथ शहर के ये रिंग रोड के बाहर जितनी भी कॉलोनियां हैं, जहां ऐसी बदहाल स्थिति है कि लोग नार के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा राधा, सड़क का नहीं है, नालियों का निर्माण नहीं है, सफाई प्रॉपर नहीं हो रही। ये अभी देखो, हम यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं, ये रेड क्रॉस सर्कल से लेकर के पूरा ये जो रोड है, पूरी बाउंड्री इसकी छतग्रस्त हो चुकी है। 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल पहले इसका निर्माण हुआ था।